मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते ना। बुखारी जी, जरा जो महेंद्रपाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। जब तो दुनिया जो कहाँ दिन थी? है वो दिन गिने कहाँ से, क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने सूरज जाते तो हैं। जब बना है जब दुनिया नहीं थी, दुनिया हाँ, बाद में बनी है। तो दिन कहाँ से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो बनाया 4 दिन है में मस्ती, मैं बनाया, वो सूरज के चार बगैर दिन कहाँ से कैसे गिने, जीता? ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहाँ से गिना? हाँ, जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हवस के मौलानाओं पर होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट कलेक्ट किए हैं और तरह तरह के हूरों के जो किस्से हैं वो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ इनकी साइंस से भरपूर कुछ दृश्य भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है, मतलब रिश्ता बताने सा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। तुम्हें शर्म है? कुछ कुछ शर्म आया है? नहीं। आपको मालूम है, हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर हूर, तो सुन, समझते हो ना? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबाले अबू कुबैस के इधर दिखता था, ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं, इतना नहीं किया। अच्छा, हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, और ऐसे नहीं कि दोनों यूं 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 रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया, और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई, हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। आपने बच्चे देखे होंगे या पागल खाने में पागल देखे होंगे, हाथ में कुछ होता नहीं, कहते देखो मैं सेब खा रहा हूं, मुट्ठी बीच के कहेंगे कि लो सेब लोगे, अनार लोगे, खजूर लोगे, ऐसे देखे होंगे आपने पागल खाने में। और छोटे बच्चे, ये मोहम्मद साहब भी ऐसे ही थे, देखो चांद के दो टुकड़े करके दिखाऊंगा, हुआ कुछ नहीं लेकिन मूर्ख बना दिया, और कहा आप सबको अगर प्रचारित प्रसारित कर दो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद। सवाल क्या है कि मेरी शादी 16 साल की लड़की से होनी है और मेरी उम्र 23 साल, मुझे ये बताएं क्या मेरी बीवी हम बिस्तर सह पाएगी? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जवाब है बिल्कुल कर सकती है। शरीयत की रूह से अगर देखा जाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम में सोचना पड़ता है। और दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लिप में सुनिए जन्नत की हूरों के किस्से हवस के मौलानाओं के द्वारा। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में
आप फारिग हो जाते हो, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाँ खुश हो जाओ, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और उनकी और उनके और हर बीवी जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70-70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। क्योंकि भाई देखो, अल्लाह ने अय्याशी के लिए जो जन्नत पैदा की है और फ्री में नहीं, जो उसकी कीमत अदा करके आएगा, तो माला आइन और रात वो अल्लाह है, वो ऐसी अय्याशी देगा कि ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है, वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको मेरे पास। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है, तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकमंदों के लिए, जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में, क्या ख्याल? तो दोस्तों इनकी एक बात समझ नहीं आती है, जब इनको पता है कि इतनी सारी सुविधाएं वहां पर मिलने वाली हैं तो पता नहीं क्यों ये जल्दी से जल्दी वहां पर नहीं चले जाते हैं। इनको चाहिए कि ये बम अपने आप को बम से बांधे और अल्लाहू अकबर कहकर अपना 72 हूरों के पास चले जाएं और वहां जाकर अपना आराम से 130 फुट की जन्नत की लड़की के साथ जैसे मर्जी चाहे टप टप करें। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है, लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहू अकबर। भगवान धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, धरती घूमेगी नहीं चाहेगी, लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा नहीं, आप पता, आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है? मतलब नहीं, कुरान सूरज घूम, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है, हाँ। सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं, सूरज घूम रहा है जी, हाँ। और धरती एक जगह है? धरती हाँ अभी एक ही जगह है, अभी एक ही जगह है जी। फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी, घूम सकती है। अच्छा अच्छा। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। Right now, I ain't tryna tell you what to do.